हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनियन पाठशाला में। ठीक है बच्चों, आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे, सेम क्लास 10 की। ठीक है, किस क्लास की क्लास करेंगे? क्लास 10। ओके, तो बच्चों क्लास 10 में आज हम चैप्टर 5 को लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, आज हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपके स्क्रीन में जो प्रस्तुत पाठ आप लोगों को दिख रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पाठ जैक बोर्ड के बच्चों और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। जैसा आप हमेशा साथ देते हैं, उसी तरह आज भी पाठ के साथ बने रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए और पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पाठ में बच्चों सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो उत्साह एक गीत है और अट नहीं रही है, जो गीत फागुन का गीत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बता देना चाहती हूँ कि बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत, जो कि अभी ये ज़िला कहाँ है, मेदिनीपुर में है। ठीक है, वहाँ हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका जो ये अपने जन्मदिन को कब मनाते थे, 1930 से ये अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन ही मनाते थे। ठीक है, महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी गैर के चार स्तंभों में से एक है। ठीक है, बचपन में ही निराला जी का नाम क्या था बच्चों, सूरज कुमार, ठीक है, रखा गया था। और उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी, जो उन्नाव जिले के गढ़ा कोला गाँव में रहने वाले थे। ठीक है, तो बच्चों चलिए इन चंद पंक्तियों को जानने के बाद हम जो पाठ में जो परिचय दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला, स्वाध्याय मतलब खुद ही पढ़ाई की, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से उन पर विशेष प्रभाव डाला था। ठीक है, निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और 1961 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बच्चों, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। ठीक है, निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे छायावादी के ही थे जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी उन्हीं में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बच्चों, शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ठीक है, चलिए इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं उसमें से एक गीत है, आह्वान गीत, जो है उत्साह, उसके बारे में जान लेते हैं कि जो कि बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। ठीक है, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यास जैन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति,
या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, निराला इसे ही नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उसी प्रकार जस्ट उसके बाद अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन को सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब वह प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए पाठ के परिचय के बाद हम पाठ में जो उत्साह जो गीत दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादल के घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरस कर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सूखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, बादल में नव जीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वृक्षपात दोनों देखते हैं। इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वे अपने कठोर ब्रज शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति एवं नया जीवन डालने का के लिए मूसलाधार बारिश करें। ठीक है, तो चलिए अब हम पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद की पंक्तियों को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक का भावार्थ हम समझ लेते हैं बच्चों कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है कि उत्साह कविता में कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम गरजना करते हुए आओ, है ना, गरजते हुए आओ और तुम उमड़ घुमड़ कर ऊँची आवाज़ करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग के बाल वाले हो। तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर दो। कवि बादल के गरजने का आह्वान करता है। ठीक है, विकल विकल उन्मन निथे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पे उत्साह कविता में कवि क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में, संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। ठीक है, संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, कवि बादल से कह रहे हैं कि हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो, ठंडा कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। ठीक है, यहाँ उत्साह की पंक्तियाँ खत्म होती हैं बच्चों। चलिए अब हम अट नहीं रही है की पंक्तियों को पढ़ते हैं, इस गीत को पढ़ते हैं। ये फागुन का गीत है। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों के लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। बच्चों, ये प्रसंग अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता का सजीव चित्रण किया है। अट नहीं रही कविता में कवि कहते हैं बच्चों कि फागुन के महीने की कांति
कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहरी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सर्वत्र चारों तरफ सुंदर और हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं। वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। अट नहीं रही कविता में कवि निराला ने फागुन को संबोधित करते हुए कहा, हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। बच्चों, आगे कवि कहते हैं कि चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी मैं अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। अट नहीं रही कविता में कवि कहते हैं बच्चों कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियाँ हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित है। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध के से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं तो कहीं पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लज जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं पा रही है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का पूरी तरह से वर्णन किया है। पहले उन्होंने बादल का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने फागुन महीने के बारे में बताया कि फागुन के महीने में किस तरह का वातावरण रहता है, हमारे चारों ओर कितनी हरियाली छाई रहती है, इसके बारे में पूरी तरह से वर्णन किया है। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा दिया गया ये जो पाठ था, उत्साह और अट नहीं रही है का भावार्थ जो मैंने आपको समझाया, वो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आज की, तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, और बच्चों आगे मैं और भी क्लास 10 के जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियो लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, जैक बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का इस तरह से सारा का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, थैंक यू सो मच, वेरी मच, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।